देश के करोड़ों किसानों को मिलने जा रही बहुत बड़ी खुशखबरी। तीसरी बार सत्ता संभालते प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिया बहुत बड़ा खेत। मोदी के इस दांव से हिल गया पूरा विपक्ष, देश भर में जश्न का माहौल। इस दिन खाते में आएगी पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किश्त। इस तारीख से पहले खाते का कर ले केवाईसी, वरना खाते में नहीं आएगा पैसा। कब और कैसे आपके खाते में आएंगे ये पैसे, जानिए पूरी खबर इस रिपोर्ट में। जी, देश की सत्ता में लगातार तीसरी बार वापसी करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने अपना कार्यकाल शुरू कर दिया है। शपथ लेने के कुछ ही घंटे बाद पीएम मोदी ने सबसे पहला ऑर्डर और सबसे पहले खुशी देश के अन्नदाताओं को दी है। एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी की किसानों के प्रति ये प्रेम उजागर हुआ है। किसानों का सम्मान करते हुए और बीते कई वर्षों से पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जरिए करोड़ों किसानों को साल में 6000 रुपए की राशि देने की प्रक्रिया में एक बड़ा कदम उठाया है। जानकारी के मुताबिक इस साल जून के महीने की इस तारीख तक करोड़ों किसानों के खाते में पैसा आएगा, जिसको लेकर देश भर में जश्न का माहौल है और करोड़ों किसानों ने प्रधानमंत्री मोदी के इस फैसले पर उन्हें बधाई दी है। तो चलिए बिना कोई देरी के फटाफट आपको इस योजना के बारे में बताते हैं, साथ ही किन किसानों के खाते में ये पैसा कब और किस तारीख को आएगा। इसके साथ अगर आपके खाते में किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो कैसे ये पैसा आपके खाते में आने से रुक सकता है, कैसे अपने खाते का जल्द से जल्द केवाईसी करा ले। अगर आप इस योजना से नहीं जुड़े हैं तो सबसे पहले आपको बता दें कि आखिरकार क्या है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना दुनिया की सबसे बड़ी डीबीटी योजना है, यानी डायरेक्ट टू बैंक ट्रांसफर की योजना, जिसके माध्यम से किसानों को प्रतिवर्ष 6000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान की शुरुआत पीएम मोदी द्वारा 24 फरवरी 2019 को की गई थी। इस योजना के अंतर्गत आखिरी किश्त 28 फरवरी 2024 को केंद्र सरकार द्वारा 16वीं किश्त के रूप में जारी की गई थी, जिसमें पात्र किसानों को 2-2000 रुपए की किश्त दी गई थी। इस किश्त के बाद देश भर में लोकसभा चुनाव शुरू हो गए और परिणाम आने के बाद मोदी ने तीसरी बार सत्ता संभाली, जिसके बाद ये योजना लगातार सरकार द्वारा जारी है। खबरों के मुताबिक पीएम मोदी 18 जून को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर जाने वाले हैं, जहां वो किसानों को संबोधित करेंगे, साथ ही 1,00,000 किसानों से संवाद भी करेंगे और उम्मीद है कि इसी दिन वो वाराणसी से इस योजना की अगली किश्त जारी कर सकते हैं। पहला, इस योजना के अंतर्गत करीब 9,30,00,000 किसानों के खाते में 20,000 करोड़ से ज्यादा का पैसा सरकार द्वारा ट्रांसफर किया जाएगा। दूसरा, जानकारी के मुताबिक इस योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिन्होंने अपने खाते की केवाईसी करा रखी है और अगर नहीं कराई है तो 17 जून से पहले केवाईसी करा लें। तीसरा, इसके लिए या तो आप किसी नजदीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर जा सकते हैं या फिर इसके लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप द्वारा फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से ई केवाईसी करा सकते हैं। पीएम किसान मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है। साथ ही आप किसान सम्मान निधि की वेबसाइट pmkisan.gov.in की वेबसाइट पर जाकर OTP के माध्यम से भी इसकी KYC करा सकते हैं। चौथा, वहीं अगर आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं तो आप पीएम किसान योजना के लिए आवेदन करने के लिए इन 3 दस्तावेजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पांचवा, जिनमें आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, भूमि रिकॉर्ड का डेटा लेकर पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in या ऐप के जरिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं या फिर संबंधित राज्य कृषि विभाग के कार्यालय में जाकर भी पंजीकरण कराया जा सकता है। वहीं अगर आपके खाते में पैसा नहीं आया है तो आप इस स्टेप को फॉलो कर चेक कर सकते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले आधिकारिक पीएम किसान वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं। स्टेप 2, इसके बाद होम पेज पर दिए गए फार्मर कॉर्नर पर नेविगेट करें। स्टेप 3, अब बेनिफिशियरी स्टेटस पर क्लिक करें। स्टेप 4, ड्रॉप डाउन मेनू से अपना राज्य, जिला, तहसील, ब्लॉक या गाँव चुने। स्टेप 5, फिर स्टेटस देखने के लिए गेट रिपोर्ट पर क्लिक करें। तो अगर आप भी किसान हैं और इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं या फिर केवाईसी से संबंधित कोई भी परेशानी है तो दी गई तारीख से पहले इसे सुलझा लें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।